हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप झारखंड राशन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो आप उसे कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जिससे आप अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ गोविंद स्वागत करता हूं आप सबका टेक बुकलेट यूट्यूब चैनल पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ahar.jharkhand.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है। उसके बाद आपको राइट साइड कॉर्नर से तीसरा ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन सेवा। उसमें आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन। आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि करंटली अभी गवर्नमेंट ने नया अभियान चलाया है कि जो भी राशन कार्ड के लिए सक्षम है वो कृपया अपना राशन कार्ड सबमिट कर दें, क्योंकि बहुत सारे फॉक्सरी हो रही है। बहुत जन को राशन की आवश्यकता नहीं है, राशन के लिए वो सक्षम है खुद में, लेकिन फिर भी वो राशन कार्ड के थ्रू राशन का उठा रहे हैं राशन डीलर से, तो इससे सरकार को बहुत घाटा हो रहा है। तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान है, आपको भी थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं मेरे नाम से भी कोई प्रॉब्लम ना करे गवर्नमेंट, तो आप राशन कार्ड को कैसे सरेंडर करेंगे, तो इसको आप पूरा देखें, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आप राशन कार्ड के रिलेटेड हर चीजों के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कि नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करते हैं, परिवार के सदस्य को जोड़ते कैसे हैं, परिवार के सदस्य को हटाते कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूं। आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट पर जाके झारखंड राशन कार्ड देख लीजिएगा। उसके नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको यहाँ पे सबसे सेकेंड लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जहाँ लिखा हुआ है राशन कार्ड सरेंडर। जब आप इस पे इसको सिलेक्ट करके सबमिट करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा कि दोस्तों, ना तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, ना ही आपको यहाँ मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। दोस्तों, होता क्या है, जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से वेरियस ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, तो बहुत सारे ऑप्शन में राशन कार्ड और मोबाइल नंबर से ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन राशन कार्ड सरेंडर करने के प्रोसेस में आप डायरेक्टली अपने राशन कार्ड नंबर मोबाइल नंबर से नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी के नाम से आवश्यक सुधार के लिए आवेदन पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय में जाकर राशन कार्ड सरेंडर करें। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, राशन कार्ड का जेरोक्स लगाना होगा, आधार कार्ड का जेरोक्स लगाना होगा, और आपको जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पास जाकर सबमिट करना पड़ेगा, मतलब BSO के पास सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप इसी चीज को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, तो आप इसे ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लो, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर नेसेसरी करेक्शन इन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, फोटोकॉपी ऑफ राशन कार्ड, सरेंडर ऑफ राशन कार्ड बाय गोइंग टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस अलॉन्ग द फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है। मैं आपको दिखा एप्लीकेशन लिखना कैसे है, और उसका फॉर्मेट का आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, और उसी व्हाइट पेपर पे लिख के आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि एप्लीकेशन लिखना कैसे है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा होगा, मैंने ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट टाइप करके आपके लिए निकाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि मैंने यहाँ क्या क्या लिखा है। मैंने सबसे पहले लिखा है टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, इसका हिंदी होता है जिला आपूर्ति पदाधिकारी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां का नाम लिखें, मेरे केस में रांची है, तो मैंने रांची लिख दिया है। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इसीलिए मैं 31 मई 2020 लिखा हूं। आप जिस डेट को भी एप्लीकेशन लिखे उस डेट को यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद सब्जेक्ट में मैंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर सरेंडर ऑफ राशन कार्ड, सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय में मैंने लिख दिया है एप्लीकेशन फॉर सरेंडर ऑफ राशन कार्ड, मतलब राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन, सर या मैम लिख दें। उसके बाद दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माई नेम इज XYZ। दोस्तों, यहाँ जो XYZ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है जिसके नाम से राशन कार्ड है। उसके बाद एंड माई राशन कार्ड नंबर इज, यहाँ पे जो 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड नंबर लिखना है। ड्यू टू इमीडिएट अफेक्ट आई वॉन्ट टू सरेंडर माई राशन कार्ड, यहाँ तक का मतलब ये हुआ कि मेरा नाम ये है, मेरा राशन कार्ड नंबर ये है, और मैं इमीडिएट इफेक्ट मतलब कि
आपूर्ति आपातकालीन इफेक्ट के लिए अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना चाहता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड फॉर प्रोवाइडिंग मी राशन, बट नाउ आई एम फाइनेंशियली स्ट्रांग, सो आई वॉन्ट टू सरेंडर माई राशन कार्ड। दोस्तों आपको कुछ ना कुछ तो रीजन देना होगा क्यों आप राशन कार्ड को सबमिट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ एक सिंपल सा रीजन दे दिया है कि पहले तो मैंने थैंक कर दिया झारखंड गवर्नमेंट को कि उन्होंने मुझे राशन अभी तक प्रोवाइड किया। उसके बाद मैंने उनको ये बता दिया है कि क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो मैं अब राशन कार्ड को सरेंडर करना चाहता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप प्लीज अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। इसलिए मैंने ये पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि मैं अब फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा है बट नाउ, मतलब कि अब, लेकिन अब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ इसलिए मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। लास्ट में मैंने लिखा है आई एम सबमिटिंग द फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड राशन कार्ड। मैं एप्लीकेशन के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड का फोटोकॉपी भी सबमिट कर रहा हूँ। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज टेक नेसेसरी स्टेप्स टू हेल्प मी आउट, फॉर दिस आई शैल बी थैंकफुल टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि आप प्लीज नेसेसरी स्टेप्स लें, आप कुछ आगे की कार्रवाई करें और मुझे हेल्प करें, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू मतलब धन्यवाद, योर सिंसियरली एक्स वाई जेड की जगह आपका अपना नाम लिखना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेम टू सेम यही लिखना है, सिर्फ तीन चीजें करनी है। एक्स वाई जेड की जगह आपको अपना नाम लिखना है, वन वन की जगह आपको अपना राशन कार्ड नंबर लिखना है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह भी आपको अपना नाम लिखना है। दोस्तों इतना करने के बाद व्हाइट पेपर में इस एप्लीकेशन को लिखने के बाद आपको क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि अपने एप्लीकेशन को लिख लेना एक पेपर में, उसके बाद जिसके नाम से भी राशन कार्ड है उसके नाम को, उसके नाम के जो आधार कार्ड है उसका आधार कार्ड को आपको प्रिंट आउट करवा लेना है, या फिर जेरॉक्स करा लेना है, या फिर फोटोकॉपी करवा लेना है, और राशन कार्ड जो है राशन कार्ड का भी फोटोकॉपी करवा लेना है और जेरॉक्स करा लेना है। और आपको जाके नज़दीकी डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, अगर आपको नहीं पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर कहाँ बैठते हैं, तो आपके नज़दीकी बीएसओ जो होगा ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर उसके पास आप जाएं, एप्लीकेशन ये सब ले जाकर उनको दें और उनको बोले कि मैं राशन कार्ड सरेंडर करना चाहता हूँ। डीएसओ का ऑफिस कहाँ है वो आपको बताएगा, अन्यथा वो एप्लीकेशन खुद ही रख लेगा और वो आगे की प्रोसेस करेगा। तो इस तरीके से आप अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।